हनुमानगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर रही। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दूध चिलर प्लांट में ये कार्रवाई की गई। विद्युत चोरी को यहां पर पकड़ा है विजिलेंस टीम ने। जी हां, कृष्ण बिश्नोई के नाम है विद्युत कनेक्शन जहां पर ये कार्रवाई की गई। लंबे समय से बताया जा रहा है कि यहां पर बिजली की चोरी की जा रही थी। विद्युत पोल से कुंडी लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। एएन मुकेश शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख रुपए का इस पर जुर्माना भी अब लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, विजिलेंस की टीम की यहां पर बड़ी कार्रवाई रही। कृष्ण बिश्नोई के नाम से विद्युत कनेक्शन लेकर के बिजली चोरी की जो घटना थी उसे काफी समय से यहां पर अंजाम दिया जा रहा था। विद्युत विभाग की जो विजिलेंस टीम थी उसकी बड़ी कार्रवाई हनुमानगढ़ में यहां पर हुई। दूध चिलर प्लांट में ये कार्रवाई की गई। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जो दूध चिलर प्लांट था वहां पर ये कार्रवाई की गई। विद्युत चोरी को यहां पर विजिलेंस टीम ने जाकर पकड़ा है। कृष्ण बिश्नोई उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है जिसके नाम ये विद्युत कनेक्शन था और लंबे समय से बताया जा रहा है कि यहां पर बिजली की चोरी की जा रही थी। जी हां, उस चोरी पर अब पर्दाफाश उसका हो चुका है। विद्युत पोल के कुंडी लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। एएन मुकेश शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाना बताया जा रहा है। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दूध चिलर प्लांट में यह कार्रवाई की गई। कृष्ण बिश्नोई नाम के व्यक्ति के द्वारा उसके नाम पर यह बिजली का कनेक्शन था। विद्युत चोरी को यहां पर विजिलेंस टीम ने पकड़ा है और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से बिजली की चोरी की घटना जो थी वो यहां पर की जा रही थी। बिजली की चोरी यहां पर लगातार हो रही थी। विद्युत पोल के सहारे कुंडी लगाकर इस चोरी को अंजाम रोजाना दिया जा रहा था। एएन मुकेश शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना इस संदर्भ में भी लगाया जाएगा। बड़ी कार्रवाई विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की। विद्युत चोरी को यहां पर पकड़ा है विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने। कृष्ण बिश्नोई नाम के व्यक्ति के नाम ये विद्युत कनेक्शन बताया जा रहा है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से यहां पर चोरी बिजली की जा रही थी। विद्युत पोल के सहारे कुंडी लगाकर चोरी को अंजाम दिया जा रहा था।